टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सीजन टू, उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा। ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे हाउस बैंड और सिंगर काशिफ भाई अंदर कराची बॉयज। वालेकुम अस्सलाम भाई लोग, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, मजे में? ऑलराइट। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी थालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि आदि रामचंद्र। अस्सलाम वालेकुम। आदि भाई कैसे हैं? ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। आप बताइए, सब अच्छा है? क्या चल रहा है? मजा कर रहे हैं। कुछ नहीं चल रहा, बस काम चल रहा है। वर्ल्ड कप आ गया है। हाँ। और क्योंकि मुझे अभी अभी थोड़े दिन पहले पता चला कि ये साल जो है वो क्रिकेट का सबसे मसरूफ तरीन साल है। जी जी बिल्कुल। तो बस क्रिकेट चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है। हाँ। और पाकिस्तान इंडिया और ये सारे मैचेस जो होते हैं। तुम्हारा क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ। लेकिन फिर भी तुम सुन तो लेते होगे कि मैचेस में क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा। हाँ। तो उसमें तुम उसको गौर से सुनते हो, तुम कैसे? अच्छा, जो जीता ठीक है, हारा ठीक है, खैर है। होता तो ऐसे ही है, लेकिन क्योंकि आजकल वो यूनुस भाई भी शो पे है और वसीम भाई भी नजर आते हैं, ये सारे उस चैनल में नजर आते हैं, तो उनसे सुन के इंटरेस्ट पैदा होता है। ठीक है। वो ये है कि वो कहते हैं यार, ग्राउंड में जितनी भी दुश्मनी कह लें या वो कंपटीशन कह लें, वो सिर्फ ग्राउंड तक है। जब हम वहां से निकलते हैं तो वो दोस्ती में तब्दील हो जाती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा नहीं है कि जी ग्राउंड में लड़े और बाद में भी लड़े, बाद में वो सारे साथ हैं, घूमते फिरते हैं। तो मुझे अच्छा ये लगता है कि जहाँ की चीज है उसको वहां छोड़ के निकल आए। ऐसा नहीं हो कि अगर मैं और फैजान किसी ड्रामे के अंदर एक दूसरे किसी दुश्मन बन गए। हाँ। तो वो फिर ये है कि फैजान तो अच्छा आदमी नहीं। हाँ, वो तो सब कुछ। वो तो खैर हमारी स्कोरिंग को लेके भी लोग समझते हैं कि हाँ, कि हमारा कोई मामला, कोई फड्डा चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। वो हमने एक फन एलिमेंट रखा हुआ है बिल्कुल, और हम उसमें कोई जवाब भी नहीं मांगते, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं मांगते। तो ये बिल्कुल इसी तरह, जैसे ड्रामा कोई चल रहा हो तो उस ड्रामे में जो कैरेक्टर है वो इंसान असली में वैसा नहीं है। बिल्कुल। उस ड्रामे को वहां छोड़ के आगे निकल आए। बिल्कुल सही आपने कहा कि अपने जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो अपना काम होता है उसको वहीं छोड़ के आया करें, अपने साथ घर मत लाया करें, और घर के मसले काम पे ना लाया करें। घर के मसले काम पर। हाँ, क्या सुबह मासी नहीं आई तो सेट पे गुस्से आपने शोर मचाना शुरू कर दिया ना। हाँ। कि क्या बकवास है, फ्रस्ट्रेशन वहां की यहाँ निकाले। ऑलराइट। और आज की जो हमारी गेस्ट है, हाँ, वो मेरे ख्याल से जैसी हैं वैसी ही हैं, क्योंकि वो सेट पे भी वैसी हैं, वो घर में भी वैसी हैं। बड़ी मुश्किल से कैमरे में अपने आप को बदलती है। अभी मैं और वो एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ। और इंटरेस्टिंगली कि हमारा उसमें एक अफेयर टाइप है, तो बड़ा मुश्किल होता है हम लोग को एक साथ सीन्स करना, बिकॉज हमें सिर्फ हंसी आ रही होती है और डायरेक्टर परेशान है हमसे। हाँ। कहते हैं यार इनको क्यों मैंने साथ कास्ट कर लिया, ये लोग सिर्फ हंसी मजाक करते रहते हैं, फिर हम करना पड़ता है जब दूसरा गांठ पड़ जाती है। मुझे हमारी आज की गेस्ट का एक थोड़ा सा मसला भी नजर आता है। अच्छा। मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ। ओके। और माशाल्लाह से उनको हर हालात से जानता हूँ मैं। वो वैसी ही हैं। वही ना, जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी, जब मेरी उनसे पहली बार बात हुई थी, अब माशाल्लाह से उनको हर कोई जानता है, इतना वो काम करती है, वो आज भी वैसी ही है। बिल्कुल। तो ये मुझे उनकी बात बहुत इंप्रेस करती है कि यार वक्त बदल गया लेकिन वो वैसी की वैसी जी। एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर जिन्होंने थिएटर से अपना काम शुरू किया, ड्रामास में छा गई, और एक इंटरेस्टिंगली फिटनेस ट्रेनर भी हैं। हाँ। बहुत ही जबरदस्त, और ये साइड हमें नहीं पता चली जब हमारी दोस्ती थी। उनकी वीडियो जब भी देखो आप शर्मिंदा सा फील करते हैं। हाँ, क्योंकि वो ऐसी चीजें लिफ्ट कर लेती हैं, 20-20 किलो ऐसे उठा के लगे, और हमसे नहीं होती है बात, तो इनको बुला के तंग करेंगे। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मारिया मंसाले। लग रहा है यार, ये मैं नहीं कर सकती, मुझे ये बहुत डिफिकल्ट। मुझे खुशी है कि हमने मिस किया और मैं चाहता हूँ ये कोई ना करे। आइए तस्वीर। आपने पीछे से देखा नहीं? नहीं, मैंने देखा इसीलिए। जिम्नास्टिक कोच।
यार तुम तो वाकई माशाल्लाह यार आदि, आपको पता है मैं अपनी टांगे उठा के सर पे रख ले तो रैबिट बन जाता था, पता है मैं भी नहीं कर सकती। एक सेकंड, क्या बन जाते हो? रैबिट, ऐसे पैर यूं आ जाते ना ऊपर, खरगोश लगता हूं। खरगोश ऐसा नहीं करता। ये कौन सा खरगोश है भाई? खरगोश के बाल बड़े होते ना, बाल बड़े होते, कान बड़े होते। कैसी है मरियम आप? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत टाइम हो गया आदि तुमसे मिले हुए, इनसे तो मैं मिलती रहती, मिलती रहती। अच्छा, मतलब ये ज्यादा पसंद है? नहीं, जब हम लोग सीन पढ़ते हैं और वो कोई रोमांटिक सीन होता है तो पहले हम लोग हंसते रहते हैं उस पे, ये तो हो नहीं सकता, कैसे होगा। हाँ, मतलब क्या सोच के उन्होंने कहा, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आ रही कि वो क्या सोच के। दो टेक के बाद ना डायरेक्टर का ख्याल होता है, क्यों कास्ट कर लिया इनको, क्यों कास्ट कर लिया। नहीं तो कैसा रोमांटिक सीन होता है, हर तरह का, मतलब बिल्कुल सीरियस वाला। अभी तक सिर्फ हमारा हाथ पकड़ने वाला। अभी एक वो एक सीन था कि ये आती है चाय रखती है तो मैं इनका हाथ देख लेता हूँ, हाथ जला हुआ होता है तो मैं हाथ पकड़ लेता हूँ, हाँ ठीक है तुम्हारा ऐसा ना तो सोचो, और पे मैं सीरियस हुआ हूँ, फुल पक्का मुंह बनाया हुआ है, आगे से हंस रही, हाथ ही हिल रहा है ना स्क्रीन पे, मैंने कहा खुदा के वास्ते। अच्छा सोनू उसका हो रहा है लेकिन हंस मैं रही हूँ, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। अभी हम कोई वो भी कर रहे थे, अभी OST की टाइटल की हमारी शूट थी, उसके अंदर था कि मैं पिंजरे में बंद हूँ और फैजान आता है। अच्छा मजाल है, मजा है कि अगर इनका सोलो हो रहा है तो मैं सीरियस हो जाऊं या मेरा सोलो हो रहा है तो ये नहीं नहीं भाई, अपना अपना खुद करो। लेकिन अच्छा, आंसू ग्लिसरीन लगी हुई, आंसू टपक रहे लेकिन हंस रहे, हंस रहे ना, और कह रही है मुझे छोड़ के जा रहा है, मुझे छोड़ के जा रहा है। आखिर में ऑडियंस ये ना समझे दो पागल की प्यार की कहानी चल रही है, ऐसे ही फील हो रहा था। गद्दू बंदर, गद्दू बंदर, गद्दू बंदर, याद रखिएगा आलू के साथ भी पक सकता है गद्दू बंदर। मरियम, मरियम की जो एक और क्वालिटी मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ये अली अंसारी की बहन है। ये बोलना जरूरी ना था, ओके आसान बात नहीं है कि अली अंसारी बहुत अच्छे एक्टर हैं, ये उनकी बहन है। मैं भी बहुत अच्छी एक्टर हूं, देखो मैं भाई आप बहुत अच्छी एक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है भाई। नहीं मरियम, माशाल्लाह थिएटर से काम शुरू किया, उसके बाद ड्रामास में, हां एग्जैक्टली साथ साथ काम शुरू किया, फिर ड्रामास में आ गए, तो कैसा लगता है अली अंसारी की बहन होकर? ये जरूरी क्वेश्चन है, आप अली से पूछे। नहीं नहीं, ट्रांजिशन हुई कैसा फील होता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है, वो एकदम जाहिर है। मुझे लगता है मैं निकलता हूँ क्योंकि आज पहले ही दो लोग पागल मुझे लगता है मुझे वापस थिएटर में चले जाना चाहिए। मुझे लगता है आपको वापस पैदा होना चाहिए, आपको थिएटर में जाना चाहिए लेकिन ऑपरेशन थिएटर में नहीं। लेकिन मैं अपने आप को बहुत क्रेडिट देती हूँ। अच्छा, आपकी कॉलिंग ज्यादा होगी ना खुद ही, बहुत क्रेडिट ये क्या है खुद ही भाई, मैं आपने आपको बहुत क्रेडिट देता हूँ भाई, बड़ा अच्छा काम करता हूँ मैं। नहीं, नहीं, मैं तो माशाल्लाह मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा अच्छा आराम से बोलो, माशाल्लाह हम कलर कोऑर्डिनेटेड है, आज सब ने ग्रीन पहना हुआ है किसी वजह से, सब पतीले चल रहे, ये बहुत मुश्किल शो होगा। नहीं नहीं ये मजेदार शो है। अच्छा नहीं, मुझे ये बताएं कैसा लगता है आपको कि अली अंसारी की बहन है आप? नहीं ये जानना है मुझे, नहीं कैसा लगता है मुझे ऐसा? भाई मैंने जैसे कि बोला मैं अपने आप को बहुत क्रेडिट देती हूँ उसकी तरक्की के लिए, उसकी तरक्की उसकी तरक्की के लिए। अच्छा मजे की बात ये कि मेरे ख्याल से एक्टिंग पहले तुमने शुरू की अली बाद में, अली तो पहले होस्टिंग वगैरह कर रहा था, अली ना पहले बहुत हम आए थे सऊदी अरेबिया से, तो हम अमेरिकन स्कूल में होते थे, तो सऊदी अरेबिया से अमेरिकन स्कूल में कैसा, तो अली इतना अंग्रेज होता कि अस्सलाम वालेकुम आप कैसे क्या कर रहे हैं क्या हो रहा है, तो उसको उर्दू भी नहीं पढ़नी आती थी, हम फ्रेंच में होते थे, मैं इधर आके मैंने उर्दू सीखी, तो मैं पूरी पूरी रात उठ के उसकी स्क्रिप्ट रोमन में लिखती थी ताकि वो शूट पे जाके पढ़े, तो भाई मुझे ही क्रेडिट जाता तो है ना। आपको अरबी आती है? नहीं नहीं, तो कैसे सऊदी में थी जब अरबी नहीं आ रही, तो गूंगी थी वहाँ बोलने की जरूरत नहीं होती ना, तो भाई तारों से समझ जाते हैं। हाँ इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, बोलो ठीक है। अच्छा तो बात ये बताएं कि बताएं कोई बात बताएं हमें तो सब पता है, मुझे बताएं ना ये कब हुआ कि जी मैंने थिएटर में काम शुरू करना है, किसने इंस्पायर किया कि भाई एक्टिंग करनी है ऑल ऑफ अ सडन? अच्छा मुझे हमेशा एक्टिंग का शौक था। अच्छा अभी नहीं कर पा रही बता, सिर्फ अभी नहीं कर, हमेशा था अली, हालांकि अली ने इनसे पहले एक्टिंग शुरू की, बाद में शुरू की, फर्क सिर्फ ये है उसने कर ली इनसे। नहीं नहीं यार, नहीं मैं भी बहुत अच्छी नहीं, नहीं यार बस ये कि फैजान और मैं जब होते हैं तब थोड़ा नहीं हो पाती, दोनों से नहीं हो पाती, अभी भी बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि तुम लोगों की शक्ल तुम लोगों की शक्ल इतनी बुरी है, वो इधर उधर करके शो कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो रो क्यों रही हो यार, वो बस अम्मी ने मारा निकलते हुए, क्या हो गया, फिट्स पड़े हैं, ये जिम जाती है ना फिट्स हैं,
इनको फिट्स पड़ रहे हम, जैसे कुत्ते पीछे नहीं पड़ रहे उस तरह इनको फिट पड़ रहे नहीं नहीं अच्छा एक चले मुझे लगता है किसी को शो समझ में नहीं आएगा नहीं नहीं आएगा आएगा ये असल में देखते तीन लोग हैं एक गेस्ट और दो तीन व्यू से ज्यादा नहीं है ऐसी बात नहीं है अंजू भी देख रही है काशी भाई भी देखते हैं अच्छा तो बताइए नहीं नहीं बताइए ओके बिल्कुल सीरियस बिल्कुल सीरियस बात करेंगे ये बताइए शुरू से एक्टिंग का शौक था लेकिन थिएटर से शुरू किया तो थिएटर तक रसाई कैसे कैसे जाना हुआ कि मैंने ना मुझे हमेशा से बचपन से शौक था एक्टिंग का तो मैंने कहा कि चलो ऑडिशन का वो आया पता नहीं ऑनलाइन मैंने देखा था मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ ऑडिशन पे जाती हूँ ठीक है खैर वहाँ जाके ये हुआ कि मैं वहाँ सिलेक्ट नहीं हुई अच्छा मतलब नॉर्मल हो गया हाँ बिल्कुल सिलेक्ट नहीं हुई फिर उन्होंने कहा जब मैं बिल्कुल मायूस होके निकल रही थी ना कि बिल्कुल बस खत्म हो गई जिंदगी बस ये वाला पिघल गई हाँ बस पिघल गई मैं तो उन्होंने कहा आप रुके ओए ओए आप कल दोबारा आए और आपको हम कल फिर रिजेक्ट करेंगे उन्होंने कहा आप कल दोबारा आए और अली अंसारी को साथ लेके आइए छोड़ दो तुम अच्छा फिर आप कल दोबारा आए फिर कल दोबारा आए तो हम फिर आपका ऑडिशन देंगे मैंने कहा चले ठीक फिर मैं कल दोबारा गई कल दोबारा गई आपको आपने जब आपने अपने आप जमा किया फिर मैं कल दोबारा मुकम्मल किया मैंने मुकम्मल किया तो फिर मैं दोबारा गई और मैंने कहा कि चलो ठीक है और मैं अली के साथ ही गई देखा मैं जानता था मेरा दोस्त आएगा फिर लेकिन वो अली को तब कुछ नहीं पता था हां लाइक नहीं भाई मुझसे नहीं हो पाएगा तुम ही कर लो तो फिर आप सेलेक्ट हुई उधर ना हां सेलेक्ट तो मैं हो गई लेकिन ट्विस्ट ये था कि उसी वक्त जब उन्होंने कहा ना यू आर सिलेक्टेड हां तो आपकी आंखों की बिलाई चली गई नहीं एंट्री हुई एक और लड़की की अरे जलील लड़की होगी वो होता है ना जैसे बाल उड़ते हैं स्लो मोशन में स्लो सब स्लो मोशन और सब फ्लैट हो गए उस पे फ्लैट हो गए तो उन्होंने फ्लैट कितने कमरों का तो मैं हील्स पहन के गई थी नहीं पता फिर फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है आप ही काम करें आप कल दोबारा है 11 दिन चली है कहानी अभी हम थर्ड डे पे अच्छा 11वें 11 तुम तो बहुत अच्छी तरह जानते हो शाशन अपील तो नहीं थे ओके नहीं नहीं ठीक है तो फिर क्या हुआ कि 11वें दिन हुआ कि उनको टैलेंट मुझ में ज्यादा नजर आ गया था तो उन्होंने कहा कि आप सिलेक्टेड उस लड़की में क्या ज्यादा था वो भी टैलेंटेड है माशाल्लाह उसको भी टैलेंट कह रहे हो हां नहीं वो भी बहुत टैलेंटेड भाई वो भी टैलेंटेड है लेकिन उनको जो कैरेक्टर चाहिए था वो उसमें आ गया ज्यादा अच्छा उसको हटा दिया ये غالबा हम टॉम डिक एंड हैरी की बात कर रहे हैं है ना पहला जो प्रोजेक्ट था तो फिर हमने तो फिर ये हुआ अल्लाह यार वो शो ना निकले नहीं नहीं निकलेगा नहीं 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 अच्छा तो फिर उसके बाद टीवी की ट्रांजिशन कैसे हुई किसने कहा कि भाई टीवी की क्या कुछ भी नहीं हुआ हम सब ने साथ में थिएटर किया उधर से वो आए कौन आए प्रोड्यूसर्स वगैरह जिन्होंने कहा कि अच्छा इसने अच्छा काम किया इसने अच्छा काम किया फिर मैं फिर गई ऑडिशन के लिए आयरॉनिकली उस वक्त देयर लाइक वाओ अमेजिंग ये वो मैंने कहा वाओ यार मैं तो पहले थिएटर में सिलेक्ट ही नहीं होती थी अब फॉरन में सिलेक्शन मेरी सिलेक्शन हो गई फिर बस उधर से काम चलता रहा और मैं करती रही लेकिन थिएटर के काम में और टीवी के काम में बहुत फर्क है मेजर फर्क है बहुत मुझे एडजस्ट होने में बहुत टाइम मतलब पहला मेरा प्रोजेक्ट जो था उसमें मुझे थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगा एडजस्टमेंट एज इन व्हाट के मतलब काम करने का तरीका या लोगों के साथ एज इन ब्लॉकिंग ज्यादा मतलब हर चीज थिएटर में यू गाइस नो एग्जैजरेटेड होती है आपको ऊंचा बोलना होता है बट इन टेलीविजन आपका फ्रेम ही छोटा है तो यू जस्ट हैव टू गिव योर एक्सप्रेशंस यू डोंट इवन नीड टू एग्जैजरेट योर बॉडी मूवमेंट या आपको इतना चलना नहीं है उधर ब्लॉकिंग नहीं है आपको बस थोड़ा नेचुरल होना पड़ता है इन थिएटर इट्स कंप्लीट ऑपोजिट और इतने सारे काम के बाद ये अचानक से फिटनेस वाला सीन कहां से ऑन हुआ अच्छा मैंने ना और इतना ऑन हो गया कि मतलब फिटनेस करते 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 फिटनेस ट्रेनर मुझे तो ऐसा लगा कि इसको किसी जिम वाले ने कहा कि आपसे हम फीस नहीं ले रहे एक महीना जल्दी जल्दी ज्यादा कर ली ना सारी कर नहीं ऐसा नहीं हुआ हुआ क्या कि मैंने एक अपनी पहली फिल्म की थी तो उसके अंदर नहीं बता अल्लाह गुल्ला की बात नहीं करेंगे ठीक है अलग अलग की बात नहीं करेंगे दार अगर किसी ने ढाई घंटे की फिल्म थी सवा एक घंटा सिनेमा में लगी थी वो ये हुआ कि मैं ना उसके बाद बहुत बॉडी शेम हुई ऑब्वियसली आप बड़ी स्क्रीन पे थोड़े बिल्कुल ऐसी तो मैंने कहा चलो मैं जिम जाती हूँ फिर मैं जिम गई फिर मैंने बहुत वेट लूज किया
फिर उसके बाद मुझे शौक हुआ, फिर वो एक लाइफस्टाइल बन गया, एक माइंडसेट बन गया। मुझे बहुत शौक था, मैं वैसे फ्री में लोगों को एडवाइस देती थी, बट लोगों को लगा कि मतलब मैं फुल टाइम इसमें हूँ, हालांकि मैं नहीं हूँ, मैं अपने लिए करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है ये करने में। इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स गुड फॉर योर लाइफस्टाइल, माइंडसेट। तो अभी तक मैं करती हूँ। बीच में कोई ऐसा पार्ट नहीं था जहाँ आपने एक्टिंग छोड़ी थी? नहीं, वो लोगों को लगा कि हाँ, मैंने छोड़ दी, हाँ, पर मुझे भी ऐसा लगा ये एक परसेप्शन है लोगों का दिया, और मरियम जो है उसे फिटनेस को लेकर यार आई थिंक कि लोगों को तब इस तरह की नॉलेज नहीं थी, उनको था कि भाई अगर आप एक्टर हो तो सिर्फ आप एक्टिंग करो, आप जिम भी नहीं जाओ, आप वीडियोस भी नहीं लगाओ अपनी वर्कआउट करते हुए। अब यार वो अब एवरीवन यू कैन सी इन लाइक आवर इंडस्ट्री, सब जिम जाते हैं, एवरीवन वर्क्स आउट, अब वो नॉर्म बन गया। लेकिन उस टाइम पे आई थिंक मैं पहली थी जो ब्रेक करी थी ऐसा स्टीरियोटाइप, तो लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। बट नाउ आई फील लाइक एवरीवन डज इट, एंड इवन लाइक बिग स्टार्स इंटरनेशनली डू इट, एंड या एवरीवन डज इट, एंड आई लाइक इट। और जिम की वीडियोस लगाने तो वैसे भी सही है, आप दूसरों को मोटिवेट करते हैं। हां मतलब मोटिवेशन के लिए जरूर, अब इंशाल्लाह यू नो मेरा और मेरे हस्बैंड का यही प्लान है कि हम अपनी एक जगह खोलें जहां लोग आए, और प्लान है कि हम अपना डे केयर सेंटर और अपना फिटनेस सेंटर खोलें। डे केयर सेंटर में कौन होगा? बच्चे किसके? सबके जो वर्कआउट करने आएंगे। आपके भी होंगे ना? मतलब इंशाल्लाह। जब मामू बनने का बहुत शौक था क्या हो गया? अच्छा जी मुझे बताएं कि रैंडम था, मुझे बताओ कि अली भी माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे के काम को देखते हैं नहीं देखते, या एक दूसरे को बताते हैं अली अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो? माशाल्लाह अली तो ही इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, माशाल्लाह, एंड ही ऑलवेज, आई डोंट वॉच माई ड्रामाज, और मैं बहुत, मुझे क्रिंज लगता है जब मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं कहती हूँ माय गॉड तुमने ये क्या किया है। तो मैं अली को ये ड्यूटी देती हूँ, मैं कहती हूँ अली तुम देख के बताओ तुम्हें कैसा लगा, ठीक है? या अब सबूर भी होती है, सबूर भी देख लेती है, तो ऐसा तो नहीं है आप अली ड्रामा देख के बोलता हूँ ये तुमने क्या किया है? नहीं माशाल्लाह अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने आप को ऑब्वियसली ये नहीं समझती कि मैं कोई बहुत आउट क्लास एक्टर हूँ। मैं एवरी डे मैं सीखती हूँ, अपने को स्टार से भी सीखती हूँ। जब डायरेक्टर कुछ आपको समझाता है, इट्स सो इम्पोर्टेंट टू लिसन कि आपके डायरेक्टर क्या चाहता है आपसे, कि आप क्या करें अपने ड्रामे में, आप अपना कैरेक्टर आप खुद भी बना के आते हैं, लेकिन आपके डायरेक्टर का भी एक दिमाग होता है ना कि मैंने ये विजन होता है बिल्कुल। तो अच्छा एक और चीज जो मैंने तुम्हारे अब तक के सारे काम में देखी हुई कि तुम ये इस चीज में नहीं फंसती कि जी मैंने अमीर कैरेक्टर्स करने या सिर्फ ग्लैमरस कैरेक्टर्स करने, अगर वो कोई ऐसी क्लास का कैरेक्टर है जिसमें लोअर मिडिल क्लास समझ लें, लोअर क्लास, तो यू टेक इट ऑन। यार पता है आई फील लाइक कि मैंने अब मैं कैरेक्टर्स ही उठाती हूँ, और आई डोंट वांट टू गो फॉर के ये फर्स्ट लीड है, सेकंड लीड है, पैरेलल लीड है, आई वांट टू गो फॉर जिस कैरेक्टर के अंदर ज़्यादा मार्जिन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ आर मेन कैरेक्टर्स नाउ स्पेशली आर हीरोइंस, उनके एक ही लाइन होती है कि जी चाय ला दूँ, आप फ्रेश हो जाए, खाना लगा देती हूँ। अल्लाह मैं बोल बोल के थक गई थी, रो रो के थक गई, मैंने कहा यार मेरी यही जिंदगी है कि घर से निकलना है और रोना है। हाँ घर से निकलना है, ग्लिसरीन लगानी है, रोना है और लोगों को चाय पिलानी है, तो बस मैं ये शादी के बाद भी कर सकती हूँ, ठीक है? तो मैंने कहा यार आई वुड रादर गो फॉर कैरेक्टर्स जिनके अंदर मार्जिन हो, जिनके अंदर पोटेंशियल हो, और जो लोग देख के लोग रिकग्नाइज करते हैं। अगर आपको कोई आपका नेगेटिव कैरेक्टर है एंड पीपल आर नॉट लाइकिंग यू, that means you're doing a good job. Yes, yes, yes. And if you're doing a different character, a chota sa bhi hai, lekin uske andar log aapko phir bhi aapke character name se recognize karte hain, that means aapka character register ho raha hai. Bilkul, bilkul. So I feel like ye acting hai. Acha, ye real acting. To Mariam mujhe ye bataye, abhi mashallah bahut sara kaam kar rahi hain aur sab log aapko jante hain, aur ek hai ki bhai Mariam Ansari ek bahut achhi actress hai. Aap abhi aayi hamare show pe. Aap akeli aayi. अपनी गाड़ी पे भी आ गई, आपके साथ तीन चार लोग क्यों नहीं आए? जब हमने फोन किया आपको शो के लिए तो डायरेक्ट आपको किया, आपके पास वो तीन चार लोग क्यों नहीं है जिनसे थ्रू होके मरियम तक पहुंचे? मेरे पास पैर है, मेरे पास क्या है? पैर है, पैर है, मैं चल सकती हूँ, चल सकती हूँ, मेरे पास हाथ है, हाथ है, मैं फोन उठा सकती हूँ, बिल्कुल, बस बात है। तो यार ये असल में मैं आजकल एक्सप्लोर कर रहा हूँ इंडस्ट्री को, तो मैं देख रहा हूँ कि बड़ा लाजमी सा हो गया है कि जी मरियम तक पहुंचने के लिए मुझे तीन लोगों से गुजर के जाना है, मरियम जब आएंगी तो पहले तीन लोग आएंगे, सब ठीक है? क्यों भाई, मेरे सबसे पुराने दोस्त मुझे फोन करेंगे शो के लिए तो मैं नहीं फोन उठाऊंगी। क्या बात है, इसका मतलब तुम्हारी दोस्ती नहीं लोगों से। मैं तो काशी भाई को फोन करता तो कहते पहले चाचू से बात करें।
अच्छा मरियम, हर हर एक्टर के ना कुछ ड्रीम कैरेक्टर्स होते हैं कि मैंने यार ये करना है, कोई ड्रीम कैरेक्टर यार मैंने ये करना है, आई वांट टू डू लाइक एन एक्शन फिल्म और ओह नाइस यार यू कैन पुल इट ऑफ एज़ वेल या समथिंग लाइक बॉक्सिंग अ फाइटिंग फिल्म जिस तरह हमारी थी, कौन सी थी वो लियारी की जो बॉक्सर थी, नहीं नहीं लियारी की बॉक्सर तो बहुत अच्छी कहानी होगी जो कभी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री नहीं बनाएगी क्योंकि वो कहेंगे कि मारपीट ज्यादा नहीं है, नहीं नहीं मारपीट नहीं, वो कहेंगे कि इसकी तो व्यूअरशिप ही नहीं है, ये देखना कौन चाहता है, ये कौन देखना चाहता है। कहानियों को लेकिन बड़ा मसला हो गया, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आती है लगता है एक ही जैसी है सुनने में, तो उसको कैसे चूज करती हो, एक ही जैसी चीजें करनी पड़ती है यार, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इसलिए आई फील लाइक मैं कम काम करती हूँ और मैं ज़्यादा एक्सक्लूसिव ही रहती हूँ क्योंकि आई वुड रादर डू समथिंग दैट आई एंजॉय डूइंग, वरना इंसान कर तो ले लेकिन फिर आपका दिल ही नहीं है, मजदूरी लगने लग जाती हो, हाँ फिर आप कहते हो यार शूट है सुबह क्यों है यार क्यों जाना है। और आसपास किसका काम बहुत अच्छा लगता है कि यार ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, यार रिसेंटली अभी जो हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट बहुत अमेजिंग है, लाइक बहुत डिफरेंट है, थैंकफुली थैंकफुली और आई एम सो ग्लैड कि हमें कास्ट किया, हमें कास्ट किया, हाँ वो तो उनको बुरा लग रहा है लेकिन हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा एक बात मुझे बताएं कि आपकी अब शादी होने वाली है, बिल्कुल इंशाल्लाह मेरी भी हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो आपकी शादी होने वाली है तो मुझे बताएं कि मेरी शादी पे कोई मिल जाएगी इंशाल्लाह, ओ मिल जाएगी, फिर वो कहेगी ड्रॉप करो उसके बाद फोन नहीं उठाएगी, नहीं पेपर तो खैर कहाँ चले गए हम, आपकी शादी होने वाली है तो मुझे ये बताएं कि जो आपके होने वाले हस्बैंड हैं या हस्बैंड हैं वो आपसे कहाँ मिले पहली बार? हम मिले कॉलेज में, कॉलेज में हम मिले कॉलेज में और हम ये गंदे यूनिफॉर्मों में, ओह गंदे, मैं तो इतनी मतलब मैं क्या बताऊं, उस टाइम पे तुमने सिंटर जट के टाइम पे तो तुम लोगों ने मुझे देखा था, बस मैं अपने माहौल में ना पढ़ाई में कोई ध्यान ना कुछ, बस मेरे कॉलेज के बाद होता था जल्दी से मैं पहुंच जाऊं रिहर्सल पे, तो कॉलेज में मिले, कॉलेज में मिले हम, उसने पहला दिन था मेरा कॉलेज का तो मेरी रैगिंग की थी वो इसने, ओ छोड़ूंगा नहीं कभी फिर मैंने भी यही बोला था छोड़ूंगा और मैंने नहीं छोड़ा, ठीक है तो उन्होंने आपकी रैगिंग की quite literally और रैगिंग करते करते मोहब्बत, हाँ मोहब्बत तो बहुत देर बाद हुई हमें, लेकिन ये था कि 45 मिनट बाद कितनी देर बाद 45 दिन बाद 45 दिन बाद ठीक है रैगिंग हुई फिर, हाँ जरा रैगिंग में क्या हुआ था जरा बताएं। अच्छा यार मैंने हर शो में बता दिया है, नहीं हमें नहीं पता, हमारे शो पे आप अभी आई हैं, मजे की बात है हमने आपका कोई शो नहीं देखा इसलिए अब हमें बताएं, बताएं बोले का क्या हुआ ना, तुमने नेक्स्ट टाइम ये किसी को स्टोरी बताएं ताकि ओवेस है तो उसको भी छेड़ेंगे, बताएं। अच्छा तो वह ना पहला दिन था मेरा स्कूल का, पहला दिन था, अब ऑब्वियसली जैसे क्लास में आप मिलते हैं लोगों से तो मैं भी एक कोई मेरा फेलो स्टूडेंट था मैंने मिल लिया, ही इज लाइक अच्छा चलो ठीक है कैंटीन से कुछ ले लेते हैं अच्छा और बैठ जाते हैं, मैं तब अपनी बेस्ट फ्रेंड का वेट कर रही थी, वो मुझसे एक साल सीनियर थी, वो इस भी मुझसे एक साल सीनियर ही ठीक है इसलिए बड़ा लड़का है की, हाँ तो मैं मेहा का वेट कर रही थी, मैंने कहा अब वो आएगी तो मैं फिलहाल बैठ जाती हूँ इसके साथ, तो ऑब्वियसली पहली दफ़ा मिले हैं ऑकवर्डनेस है ये तो एकदम से ओवेस आया 10 लड़कों के साथ, उन्होंने हमें घेरा और वो फुल वो तो ना हाय 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 कौन है मैली हरकत कौन करेगा मेरे साथ, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा ये क्या, तो बस हंस के और मेरा मजाक उड़ा के और फुल करके चला गया, आपकी मेहंदी पे मैं उसका यही कर रहा हूं घेर के ना, और मैंने कहा यार ये कौन था इसने मेरे साथ किया, क्यों इतना फ्री क्यों हो रहा है, ठीक है तो फिर बाद में मेहा आई उनकी पूरी क्लास की वो बेल बजी वो आए कैंटीन के लिए और सब, तो मैंने मेहा को बताया मैंने कहा तुम्हारे दोस्त से बदतमीज है उसने मेरी रैगिंग की है वो फलाना, तो फिर उसने हमारी दोस्ती करवाई चीज लाइक ओएस मरियम सॉरी बोलो सॉरी, तो मैं अच्छा इतने कड़वे मुंह से सॉरी, फिर मैंने कहा या व्हाटएवर, फिर उसके बाद हमने बात नहीं की, सही है दोस्ती हो गई बात नहीं की अब, हां एक दो हफ्ते, फिर आयरॉनिकली होता था कि सिर्फ हम दोनों की कैंटीन ब्रेक ना एक साथ होती थी, अल्लाह अल्लाह मियां चाहते थे, अल्लाह मियां वाह वाह, तो वी हैड नो चॉइस बट वो तो नहीं होता एक समोसा रखा दोनों का हाथ आया एक समोसे के पे नहीं आप ले लें, अरे भाई तो कैंटीन वाले का अभी तक हमारा इतना बड़ा उधार है लेकिन उसके बाद बस वो भी कॉलेज ही नहीं आता था मैं भी इतनी छुट्टियां करती थी बस यही होता था, उधार माफ हो गया, तो फिर ये दोस्ती मोहब्बत में कब तब्दील हुई, तो ओएस गया था लंदन, लंदन से आने के बाद वो लाया परफ्यूम मेरे लिए
he studied there for 5 years, then he came back. तब obviously हम दोनों बड़े हो गए और दोनों बड़े हो गए हाँ बेबी और अच्छा बड़े हो गए जाकर एक आदमी पढ़ा रहा था दूसरा भी पढ़ा होगा ना हाँ मुझे समझ नहीं आई मैंने कहा बैठे रहे तो वैसे भी हम मिलते रहते थे हमारी बात होती रहती थी मैंने दो दफा यूके का वीजा भी अप्लाई किया उसी के लिए ना हाँ मतलब मेहा भी पढ़ मेरी बेस्ट फ्रेंड भी पढ़ती कबाब में हड्डी साइड में करो उसको सॉरी मेहा मैं आपसे माफ़ करना चाहता हूँ जी यू वर जस्ट यूज्ड लाइक अ टिश्यू पेपर लाइक मी ऐसा ना हो मेहंदी में मेहा ही पसंद आ जाए हां वही वही होगी मेहा को सॉरी बोलो माज़र जी हां आगे क्या हुआ दो बार अप्लाई भी किया तो फिर दो बार अप्लाई किया मेरा जाना नहीं हुआ और फिर वो इधर आ गया वो इधर आ गया फिर हां मैंने जा वही वो आ गया वो आ गया उसने कहा ठीक है पढ़ चुका था अच्छा जब वो 5 साल बाद वापस आए आपके होने वाले हस्बैंड क्या उसने आगे बोला गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर ये मसला है जो पाकिस्तानी 3 दिन के लिए भी औरत चले वापस आ गए वाउ था तो ऐसा तो नहीं हो गया था 5 साल बाद नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ उसका बल्कि बिल्कुल भी आगे अभी था नहीं तो मैंने ये पूछ रही यार कार में बैठा था यार ये बड़ा मसला है अगर हो जाए तो भी मसला है नहीं हो जाए तो भी मसला है मैंने कहा यार तुम वाकई थे क्योंकि तुम्हारे तो एक्शन नहीं आया ही इज लाइक आई एम एन ओरिजिनल मैन और ये उसने इंग्लिश में बोला आई एम एन ओरिजिनल मैन उर्दू में बोलता वाह सही है फिर गुड यार गुड नहीं उर्दू में प्लीज ट्रांसलेट कर मैं ओएस की तरफ हूं भाई नहीं सही है यार बंदे ने अपना ओरिजिनल रखा ठीक है उसने कहा मैं ओरिजिनल हूं फिर कुछ भी नहीं नहीं प्यार कहाँ हुआ फिर यही हुआ ना कि मिलते रहे बात करते रहे अच्छा 15 मिनट की कॉल आधे घंटे आए टाइम बढ़ रहा है फिर 40 मिनट फिर 1 घंटा फिर 2 घंटे मैं हैरान इस बात पे कि इतनी सीरियसली बता भी रही है नहीं नहीं अच्छा जानना अच्छा ये टाइमिंग बढ़ रही है 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा अब फिर शादी हो गई नहीं नहीं ये तो हुआ होगा बस शादी हो गई फिर राजा और रानी हंसी खुशी रहने लगे नहीं नहीं ये तो कभी हुआ होगा ना क्या चाहते हो मैं क्या बोल बता रहा हूँ ना ये देखो ये वाला मोमेंट कब आएगा मरियम देखो मैं वहाँ गया ना वहाँ मैंने किसी फ्रेंडशिप नहीं की ना हम बातें करते थे तो मतलब मैं जब अकेला बैठता सबसे पहली थॉट अम्मी से पहले भी तुम्हारी याद ये वाला मोमेंट कब आए जब प्यार का इजहार किया लड़की सबको यही बोलते हैं और क्या एक ही फिक्स लाइन है क्योंकि यही रिश्तेदारी में बदल ले अच्छा तो बस आहिस्ता आहिस्ता मतलब ऑब्वियसली हम जाते थे सारे दोस्तों का सर्कल एक साथ सेम है तो मिलते थे बातें करते थे अब 2 घंटे आप फोन पे बात करो तो इसका क्या मतलब होता है भाई इसका मतलब ये या तो वो फारे गए हमें इसका अच्छा इसका मतलब भाई भाई लाइकिंग मतलब हो गया आई लव यू नहीं हुआ अंडरस्टैंड हो गया हाँ मतलब अंडरस्टूड हो गया फिर उसके बाद ऑब्वियसली उसने मुझे पूछा कि मरियम देखो मुझे मैं शादी करना चाहता हूँ मरियम देखो मुझे 500 चाहिए तुम दे सकती हो 500 रुपए चाहिए बहुत खर्चा हो गया अच्छा बताए सॉरी ये हमारा अपना भी चल रहा है ना साथ में मरियम सुनो बोलो ना क्या कहा तुम बोलो नहीं, नहीं, मैं तो कह रही तुम पहले कर लो फिर मैं बता हो गया आप बोले हाँ मरियम सुनो भाई उसने कहा है उसने कहा मरियम सुनो हाँ मरियम सुनो मुझे शादी करनी है तो तुम राजी हो मैंने कहा हाँ मैं राजी हूँ तो ही तो मैं रिश्ता भेज दूँ नहीं उसको नहीं उसको एक दो हफ्ते लगा कि मैं जो मरियम वो मुझे शादी करनी तुम राजी हो उसने बोला हाँ मैं राजी हूँ बोला यार फिर करवा दो मेरी जल्दी से अच्छा नहीं करवाऊँ क्या मैं हूँ ना तुमसे शादी अच्छा मतलब ऐसे फॉर्मली उसने कहा कि मुझे शादी करना हाँ मतलब ऑब्वियसली वी वर टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम और फिर ही वाज लाइक यार बस अब जबरदस्त क्या अब ये कब होने वाली है खैर से इंशाल्लाह ताला शादी अब दिसंबर दिसंबर में शादी होगी और जब उन्होंने पूछा कि मैं शादी करना था आपने फौरन जवाब दिया आपने कहा लेट मी थिंक अबाउट इट अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली नहीं उसने कहा कि मैं तुम्हारी अम्मी से पहले बात कर लूं मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर लो तो पहले अम्मी से मिला हाँ। अब्बू को हमने नहीं सोचा बिकॉज अब्बू से मैं भी डरती थी हाँ। थोड़ा और ओएस भी डरता था सही है। तो आंटी अंकल से मेरी मुलाकात थी उस ओएस की अम्मी अब्बू से सही है। तो वो भी ओएस को कहते थे कि भाई कर लो ऐसी लड़की हाँ। अच्छी लड़की है उम्र हो जाती है तो मसले हो जाते हैं फिर यार एक तो इसको जो हंसी आना शुरू हो जाती है ये मतलब क्या इमेजिन करती है अम्मी ने कहा फिर अंकल आंटी ने कहा नहीं अम्मी ने कहा कि कर लो शादी बेटा हाँ अम्मी भी हंसी जब वो इसने पूछा कि इज लाइक कि मैं मरियम से शादी करना चाहता हूँ हाँ. तो अम्मी ने भी
अम्मी बहुत हंसी इन पे, शी इज लाइक आर यू श्योर, आर यू श्योर, मेरी बेटा कजन भी है उसको देख लो, ये यहां कहां रहे हो, मेरी बहन की बेटी भी उसको देख लो। फिर बस फिर वो इसकी फैमिली आई, मेरी फैमिली से मिली, मेरे अब्बू और उसके अब्बू की बहुत बनी, मेरी अम्मी और उसकी अम्मी की बहुत बनी, हम सब की भी सबसे हम बहुत बनी। फिर आप लोग अपने घर का नाम रख ले बनी हाउस, मैं थोड़ा गरीब हूँ, मेरा दिमाग बड़ा हो ही नहीं सकता। मैं बताए कुछ और बोलने वाली थी लेकिन अच्छा नहीं बोला, अच्छा वो नहीं बोला। ठीक है, तो ये इससे हमें पता चला, मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि बहुत अच्छी आपकी प्यार की कहानी है, बहुत सादी है, कुछ नकली नहीं है और फॉर्मली सब कुछ हुआ ना। और मैं आज से मर्द का बच्चा वही होता है जो शादी का ओरिजिनल मैन। वेल डन, कब तुम क्यों नहीं बन रहे मर्द के बच्चे यार तुम, मैं आपको दूध पी के नहीं सोता ना, सिर्फ ही प्रॉब्लम आ रहा खातिन हजरात वक्त हुआ जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाएं, ब्रेक से वापस आएं, हमारे साथ मौजूद है मरियम अंसारी, आप देख रहे हैं तो मजेदार शो बनी। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं तो मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद है आदि दिलमजद, उनके साथ मौजूद है मरियम अंसारी और हम खेलने लगे दिस और दैट। मजेदार 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 होगा जो आपसे एक सवाल होगा उसके दो ऑप्शन है, उसमें से आप को एक चुनना है, तीसरा ऑप्शन आप नहीं दे सकती, और जब मैं आपसे कहूंगा तो आपने अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करना होगा, जस्टिफाई भी करना जब हम बोलेंगे, जब हम कहेंगे ऑल द टाइम, नॉट ऑल द टाइम, ओनली व्हेन वी आस्क यू टू डू दैट। एक्टिंग या फिर ट्रेनिंग? एक्टिंग। ओके, टीवी या फिर थिएटर? टीवी। ओके, जिम या फिर सेट? सेट। अली एज एन एक्टर और अली एज अ ब्रदर? यस, और तीसरा ऑप्शन है घर पे भी एक्टिंग करता है, घर पे भी एक्टिंग करता है, वाकई ये कैसे होता है भाई, जैसे के करके बताएं क्या करता है ऐसा जो आपको लगता है कि अली घर में एक्टिंग कर रहा है। बस अली वो ऐसे स्लो मोशन में आता है, है? है? घर में वाकई नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है, यहां से हम सबको सबूर भाभी के लिए दुआ करनी चाहिए। बट नो, अली एज अ ब्रदर, अली एज अ ब्रदर। ओके, कॉमेडी कैरेक्टर्स या सीरियस कैरेक्टर्स? कॉमेडी कैरेक्टर्स। कॉमेडी कैरेक्टर्स। वेस्टर्न कपड़े या ईस्टर्न कपड़े? वेस्टर्न कपड़े। फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स? Fruits. Workout at gym or workout at home? Workout at gym. Desi khana ya angrezi khana? Desi khana. Awards ya phir no awards? No awards. Moin Khan ya OS Khan? Ooh, oh, different. Sasur ji ya husband? Mere khayal se agar main hota personally, हाँ, मैं सुसर को सेलेक्ट करता, क्योंकि अगर सुसर नहीं होता तो मेरा हस्बैंड कैसे आता? ओह, इसीलिए तुम्हारी शादी नहीं होती। ससुर जी. ओके, ठीक है। साइकिल या फिर बाइक? बाइक। ओके, YouTube या Netflix? Netflix। बाइसेप या ट्राइसेप? ट्राइसेप। ओके, ननियाल या फिर ददियाल? फंस गई फंस गई फंस गई फंस गई, सब देख रहे ननियाल। क्यों ददियाल? ददियाल ने क्या कम प्यार दिया या ईदी में कमी पेशी थी कोई? यार मैंने ननियाल के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं किया, और ऑनेस्टली वो हमेशा कॉल करते हैं, पूछते हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, और इसलिए मैं ददियाल तो दे नो आई लव देम रिगार्डलेस। ओके, अच्छा कवर किया दोनों तरफ। ये बताएं कि गिटार्स या फिर ड्रम्स? गिटार या फिर ड्रम्स। ओके, पाकिस्तान में रहना या बाहर रहना? अब तो पाकिस्तान में ही रहूंगी। अब तो क्या मतलब था? हाँ, अब तो क्या मतलब? मतलब शादी पाकिस्तान में की है तो पाकिस्तान में ही रहूंगा। मे बी एक दिन जाके बोले आई मिस माय यूके, और आपको जाना पड़ जाए, फिर क्या करेंगे आप? फिर चली जाऊंगी। अरे क्या ऐसी बेगम होनी चाहिए जो शौहर कहे वो कर दिया वो। ठीक है, वो जान जाएगा मैं साथ साथ। अच्छा ये बताएं कि ससुराल या फिर मैका? क्या ससुराल या मैका? मैका इज अपना हाउस, ससुराल इज उसका हाउस, अदर हाउस। बोथ? नहीं नहीं, बोथ का तो ऑप्शन ही नहीं दिया ना बॉस। संडे का दिन है, बारिश हो रही है, कहाँ जाने चाहेंगे, मैका या ससुराल? ससुराल। ठीक है, सोशल मीडिया या नो सोशल मीडिया? But life would be amazing without social media. तो आप क्या कह रही हैं? No social media? No. Okay, ठीक है। ये बताएं खाना पकाना या खाना खाना? खाना खाना। खाना खाना? खाना वैसे पका लेती हैं हम, कुछ पका लेती हैं। कोई ऐसी जैसे कि क्या क्या कौन सी डिश है जो आप बोले मैं ये मैं खिलाऊंगी ना तो सास ससुर मेरे काबू में आ जाएंगे। वैसे मैं हर चीज बना लेती हूँ, अलग भी बना लेती हूँ, मैं बिरयानी भी बना लेती हूँ, मैं कढ़ाई भी बना लेती हूँ, मैं लजानिया भी बना लेती हूँ, मैं पिज़्ज़ा भी बना लेती हूँ। कढ़ाई वगैरह में सुना लजानिया का पूछ, लजानिया में चले, लजानिया की रेसिपी जल्दी से। लजानिया की रेसिपी? हाँ। अच्छा तो आपको वो मिलते हैं उसके? हमें तो कोई नहीं मिलता भाई, कजन नहीं मिलते अपने। अरे कजन दूर के, हमें पैसे नहीं मिलते। बॉईल करते हो आप? किसको बॉईल करते हैं? रुक जाओ, कजन को जो लजानिया स्ट्रिप्स होते हैं ना, लजानिया स्ट्रिप्स आपने ले ली? हाँ, उनको बॉईल किया, उनको बॉईल कर लिया, कितनी देर आपने?
for about 20-30 minutes. I don't like overcooking my food because jitna aap kam karte ho na utna wo acha nikalta. Overcooking is better than overcooking is worse than undercooking. Undercooking because undercook can be like cooking. ठीक है. आगे वाला पीछे नहीं आ. मतलब काशी भाई हम नहीं बन सकते. हम काशी भाई की तरफ जाते हैं. Very good. Very good. You guys are learning. Okay. ठीक है. फिर 20 मिनट उबाल लिया. हाँ. फिर मैं कीमा बनाती हूँ. किसका? बीफ का पहले बनाती थी लेकिन अब मैं बीफ नहीं खा सकती. खैर अब तो मैं लज़ानिया नहीं खा सकती. क्यों आपके बीफ 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 क्यों नहीं खा सकती आप? क्योंकि मुझे ना बीफ से एलर्जी. पहले तो खा सकती थी. अल्लाह ने पैसा दिया शोहरत दिया अब पता नहीं एकदम से कोई मसला हुआ है. मसला हुआ. अच्छा तो बीफ का आपने ले लिया कीमा. हाँ. कौन सा मशीन का या हाथ का? मशीन का. लेकिन वो तो बीफ का था. या जो भी होता है जो मिलता है बाजार में. अच्छा बीफ का कीमा लेकिन मशीन का. हाँ मतलब जो भी वो होता है ना. सुनाने नहीं आती तुम्हें यार? भाई वो पहले से अरेंजमेंट हुई भी होती है ना. मुझे बस पकाना होता है. तो इसमें कौन सा कमाल है पहले से अरेंजमेंट हुई होती है क्या मतलब? अच्छा तो फ्रॉम स्क्रैच में कीमा भी खुद काट. अच्छा बीफ का कीमा मशीन का. फिर क्या किया उसने? ठीक है फिर मैंने कीमा बनाया. फिर मैंने अरे कीमा बना दिया. हाँ, यही तो बात बतानी थी कैसे बना. अब रेसिपी भी बताऊं तो और क्या यार ये कैसी अच्छा, बात है. हमारे अंदर भी एक एक निदा. अच्छा मैं देसी घी यूज करती हूँ. आई डोंट यूज. और ये अच्छी बात है. देसी घी. देसी घी यूज करती हूँ. देसी घी मैं एक टेबल स्पून डालती हूँ. फिर मैं अनियन डालती हूँ. फिर मैं लहसुन अदरक डालती हूँ. कितना कितना यार ये भी बताऊं मैं आज का मतलब झूठ बोल रही हूँ ना. एक पूरा मैं अनियन डालती हूँ. अनियन ठीक है उसको अनियन काट के जब तक वो गोल्डन नहीं हो जाता. फिर मैं डालती हूँ लहसुन अदरक. ठीक है जब तक वो एक टेबल स्पून हमारे घर में ना आपके टेबल में एक ही टेबल स्पून. हाँ काफी होता है एक टेबल. जितना आप कम इस्तेमाल करो ना उतना ज्यादा अच्छा. क्योंकि कम को ज्यादा कर सकते हैं ज्यादा को कम नहीं कर सकते. ये हमने पिछले वाले जुमले में सीखा था. अच्छा लहसुन अदरक जो वो छिला हुआ है कि बगैर छिला हुआ है? नहीं छिला हुआ है. उसका छिला हुआ है छिला हुआ है तो ये पाउडर लगा है. उसका पेस्ट बनता है. उसका पेस्ट बनता है. छिला हुआ है तो मुझे पता है कि छिला किसने? अजमल भाई ने. अजमल भाई ने. अजमल भाई तो उनको भी चोट लगी होगी छीलते हुए. नहीं नहीं कभी ऐसा हुआ छिला हुआ तो उन्होंने नो बॉल दे दियो. अच्छा सॉरी क्रिकेट रेफरेंस. मुझे नहीं आती है क्रिकेट के बारे में कुछ. मुझे वो ये 3 दफा बता चुका है कि मैं तुम्हारा शोर हूँ. भाई मैं तुम्हारा शोर हूँ. ये भूल जाती है. ये बार बार भूल जाती है. नहीं 3 दफा बता चुका है कि मैं 3 दफा 3 टाइप्स की नो बॉल होती है. 3 टाइप्स की नो बॉल होती है. हाँ जैसे कि एक मैं बता देता हूँ आपको. ओवर स्टेप जो होता है लाइन के थ्रू. ओवर स्टेप ठीक है. दो और बताएं. और दो और कौन सी होती है बताएं? एक वो होती है जो पता नहीं साइड पे जाती है या मुझे नहीं आता ना. साइड पे जाती है वो बॉल आई ना यू साइड पे चली. अच्छा नहीं एक होता है जो एक होता है जो हाँ वो ही पता है मुझे लाइन के ऊपर. अच्छा दो एक होती है जो वेस्ट साइड से ऊपर होती है. बॉल अगर बॉल वेस्ट साइड से ऊपर ये भी बताया तो वो फुल टॉस हो लेकिन हाँ. तो उसको बीमर कहते हैं. वो नो बॉल हो जाती है. हाँ. और एक तीसरी कौन सी होती है? तीसरी मैं आपको बताऊं. हिंट दो मैं आई गेट देयर. तीसरी इसमें बॉल होती है. हिंट दिया है. गुड यार यार बताओ. नो बॉल मैं आपको बताता हूँ. अच्छा एक और चीज बताएं. नो बॉल के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है. अब अगर नो बॉल हो जाए तो बैट्समैन को क्या फायदा होता है? अच्छा आप सोचो. आप मुझसे पूछो. बॉल लेके आए. बॉल लेके आए. डिसअपॉइंटेड नो बॉल भूल गया. एक ये नो बॉल भी होती है. एक ये नो बॉल होती है ना. बॉल लायो. नो बॉल. अच्छी कौन सी होती है? तीसरी वाली बता. तीसरी नो बॉल होती है. उसको छोड़ दें. ये बताएं कि जब नो बॉल होती है तो बैट्समैन को क्या फायदा होता है? उसको दोबारा बारी मिलती है. वो तो मिलती है. बारी नहीं मिलती. बॉल मिलती है. बारी मिलती है लेकिन उसको फ्री हिट मिलती है. फ्री हिट. फ्री हिट क्या होती है? फ्री हिट होती है कि वो एक और बॉल मिल जाती. गांव से आई हैं आप. एक और बताओ. इस सारे काम में आप एक चीज भूल गई. हाँ. आपने कीमा पकाने रखा था वो जल गया. अल्लाह. अब लज़ानिया तो हो गया. अच्छा सुने चलें छोड़ें लज़ानिया. यू गाइस आर टेरिबल. आई नो टेरिबल इसलिए हमें शो मिला हुआ है. वेरी गुड. कोई बात नहीं. अच्छा सुने तो अवेश को क्रिकेट का शौक है. ठीक है तो अच्छी बात है. बस यही तक सवाल था. बस क्या वेरी गुड. अच्छा जी आखिरी दो सवाल आपसे. एक आदि में पूछेंगे एक मैं पूछूंगा. आदि पहले आप पूछिए. सीरियस सवाल है जरा. मस्ती मजाक से. अच्छा मैंने पहले सोचा था कि आप आ रही हैं शो पे तो कोई मजे का सवाल पूछा है. लेकिन सिर्फ यही पार्ट है हमारे शो का जिसमें आप इन्फॉर्मेटिव बात करते हैं. अच्छा नहीं मुझे नहीं आएगा. नहीं नहीं आएगा. सवाल नहीं है आपकी सोच के बारे में. अच्छा। टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है और क्योंकि आप लड़की हैं तो वो और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा पूछना. टीवी पे एक बार चलेगा सोशल मीडिया पे हमेशा रहेगा. तो जो भी जवाब देगा सोच समझ के देगा. सोच समझ
मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से एज मरियम अंसारी, एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, एज एन एक्ट्रेस, एज अ फेस ऑफ पाकिस्तान, कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है? ठीक है ना, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों में से, यार मेरे हिसाब से, मेरे जो बिलीव है उस हिसाब से ये बेहतर है, कौन सा बेहतर है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, नाड़े वाली सलवार या इलास्टिक वाली सलवार? जवाब देना है इसका यार। यार आई नो सेंसिटिव टॉपिक है, आई एम हर्टिंग योर फीलिंग्स, अच्छा जी, यही डेंजर है, यही डेंजर। आखिरी आखिरी सवाल मरियम से, आदि या फैजान? नहीं यार, नो नो नो, आई कांट आंसर दिस। नहीं यार, नहीं, दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आदि एंड फैजान आर अ पैकेज, सो दे कैन नेवर बी सेपरेट। बल्कि 5 साल से सुन रहे हैं, बल्कि 6 साल से सुन रहे हैं, बल्कि 7 साल से सुन रहे हैं। बताएं एजी, ये सब हो चुका है। अल्लाह, इसने इतना सोच के मेहनत करके बात बोली। देखो, एजान, फादी, ऐसी, आदान, मजेदार शो, सलाम जिंदगी, सब हो चुका है, नाम एक ही देना है, वन है, और इसका स्कोर चल रहा है, और रीजन नहीं देना कोई, बस नाम लेके चुप। नन है, क्या बोला भाई? नन, अंजुम जी पैसे काट ले। नन नहीं, मतलब नाम देना पड़ेगा। नन सिर्फ तब होती है जब बच्चा बीमार हो तो नन आती है, आती है ना, ऐसा होता है ना, नहीं होता ऐसा? बताएं क्या बताएं? वो कौन होती है आती आंटी? अरे वो नर्स होती है। ओ चलो फैजान, टेक द बुलेट फॉर दिस वन, तुम तो मिलते रहते हो साइड पे। यार ये क्या बात है, क्या अच्छा एक्सप्लेनेशन मांगी नहीं थी, ठीक नहीं चाहिए? नहीं यार, मैं नहीं चूज कर सकती, बहुत मुश्किल है। आपको आम देते हैं, आप आम चूज कर लें, दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त। 10, 9 क्या कर लोगे, क्या लोगे? बताएंगे 7, 6 अच्छा जी, आप बताए, अब हम आपको बताएंगे, बताइए इसका जवाब क्या, क्या कर लोगे? हमने कोशिश की कि हम आपको डराएं, इससे ज्यादा हम क्या करेंगे, लेकिन हमने ये 45 मिनट तक किया हुआ है। हाँ, ये वाला पार्ट खाली, मैं नहीं आंसर करूंगी, करना होगा ना, लेकिन ये जो इतने सारे लोग खड़े हुए ना, इन सब ने बड़ी कोशिश की, लेकिन इन्होंने जवाब दिया हमें और जवाब देकर गए। आपके भाई ने क्या दिया? ये आपके भाई, अली ने क्या बोला? अली ने क्या बोला? मुझे याद नहीं है, इन्होंने भी जवाब दिया, साकिब भाई ने जवाब दिया, साकिब भाई ने भी जवाब दिया, साकिब भाई ने क्या बोला? साकिब भाई ने बोला था आदि। याद कहाँ होगा तुम्हें? मुझे याद है। चलो बताओ, साकिब भाई ने आदि बोला 110%? नहीं, नॉट 110%, पता नहीं भाई। यार आपने दिल का बताया ना, अली ने क्या बोला? अली को बताना है, इतने लोग आते हैं। नहीं यार, मैं चूज तो नहीं कर सकती, करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं चूज नहीं करना पड़ेगा, वैसे आप कर चुकी है दिसंबर में जिसके साथ। अच्छा हाँ, जो आप दो, मैं या अली? अली अली। बेस्टी बेस्टी टीवी पे बेस्टी। सुने, हम कह रहे थे अली नहीं बोलेंगे, मरियम पूरा सुना नहीं आपने। मैंने कहा तुमने अली ऑप्शन ही कैसे दे दिया, मरियम के होते हुए अली को कैसे चूज कर सकते हैं? मैं दोनों में से कोई भी नहीं। नहीं नहीं, एक तो देना पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, बॉस प्लीज, नहीं प्लीज बॉस, नहीं बॉस, नहीं मरियम प्लीज यार। अब तो मैं बिल्कुल भी तुम में से किसी को चूज नहीं करोगी। नहीं, गेम कर दी तुम लोगों ने अपने साथ ही। नहीं नहीं, मैंने तो कहा था कि मैं अली बोलूंगा तो मरियम बोलेगा। नहीं नहीं, और मैं, मुझे लगा कि तुम मरियम बोलोगे, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अली बोल चुका था और मैंने भी बोल दिया फिर। बस यार, जो बातों के तीर वापस नहीं लिए जाते। क्या क्या कहा? चलिए, बातों के तीर वापस नहीं लिए जाते।
आप तीर रख लो, जवाब दे दो. नहीं, जवाब आप लोगों के सामने है. बॉस प्लीज ना. None of you. नहीं. None of you. मैं कह रहा हूँ सोलो बनाए, सोलो. और क्लोज जाए, इतना टाइट वाला, यहाँ वाला. कह दिया ना. और बस इतना और आगे ना, थोड़ा आगे जल्दी जल्दी. ये हमारी मोड. अब आप बोलो none of you. बोलो ना. बोलो none of you. यहाँ बोलो, यहाँ चीट करो, यहाँ चीट करो. हाँ यार कर भी रही है ना, जल्दी बोलो ना ताकि आगे जल्दी. यार काशी भाई वहां भाषी हो रहे हैं. 1 2 3 आ दिया फैजान. अरे जल्दी बताओ यार, मैंने बहुत ड्रैग हो गया. 1 2 3 आ दिया फैजान. लोग ड्रैग कर रहे हो शो को, ये पूरा कट जाएगा. हां सब कट जाएगा. 1 2 3 आ दिया फैजान. कोई भी नहीं. अबे मुझे घर जाना है, जल्दी करो यार. हमें भी जाना है. आ दिया फैजान. आदि अब तुम बताओ. सुनो, हेलो. अनोई होने की हद होती है. अली या मरियम अंसारी? ऑफ कोर्स अली. आ जाए काशी भाई. ब्रेक पे जाने से पहले आप हमें क्या सुनेंगे? काशी भाई की मैं आपको एक खासियत बता दूं. हाँ. 2 GB रैम, 3 ईयर और. काशी भाई गाना सुनाए. क्या सुना रहे? अहमद जहांजेब का. अहमद जहांजेब का गाना. कोशिश करेंगे गाने की. तुम्हें चांद के सामने, चांदनी रात में चांद के सामने, रुख से पर्दा हटाना, रुख से पर्दा हटाना, गजब हो गया, गजब हो गया. चांदनी छुप गई, चांद शर्मा गया. हाँ चांदनी छुप गई, चांद शर्मा गया. आपका मुस्कुराना गजब हो गया, गजब हो गया. आपको एक जुमला सुनाएंगे, उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग होंगे. अच्छा, आपने उसको अपनी मर्जी से फिल इन द ब्लैंक कर लेना है. बड़ा हमने कोई काम किया था उसको देख के, ठीक है ना. गेस्ट द मिसिंग वर्ड है तो वो फिल इन द ब्लैंक, ठीक है. पहला, आदि को देखकर डैश याद आता है. खरगोश नहीं बोलेगा. हाँ, खरगोश बन जाता है टांगों पर रख के. बताया था भाई. भाई आज देख के भाई याद आता है. इतना बुरा मुंह क्यों बनाया? दैट्स सो स्वीट. हाय. ए हाँ ये ठीक है. दैट्स सो स्वीट. ठीक है. फैजान को देखकर डैश याद आता है. देखकर जॉनी ब्रावो. जॉनी ब्रावो. इसकी टांगे छोटी है जिसमें बड़ा है. क्यों बनाई था जो मामा? अच्छा ठीक है. हमारी हीरोइंस डैश करने से मना कर देती हैं. क्या करनी है? हालांकि मना करती नहीं है, लेकिन आप लोग बताने के हमारी क्या बोला. डैश करने से मना कर देती हैं. क्या क्या करने से मना कर देती है? तो आप बताएं. इमेजिन नहीं करना. हमारी हीरोइंस जो हमारी हीरोइन मना कर देती है कि ये डैश नहीं करूंगी, देखो काम देना दो. अच्छा जो जहन में है ना वो नहीं बोलना. हम पता है. हाँ बताएं. हमारी हीरोइंस डैश करने से मना कर देती है. हमारी हीरोइन कॉर्पोरेट करने से मना कर देती है. ओके वेरी गुड. ठीक है. कॉर्पोरेट. मैं अक्सर डैश करने में देर कर देती हूँ. मैं अक्सर हाँ डैश करने में देर कर देती हूँ. ठीक है. कुछ भी नहीं. नहीं नहीं कुछ कुछ तो करने में देर करती होंगी. डैश करने में देर करती हूँ. खाना खाने में देर करती हूँ. आदि भाई मैं अक्सर डैश करने में देर कर देती हूँ. नहीं तुम तो कर देते हो. मैं अक्सर पानी पीने में देर कर देता हूँ. डिहाइड्रेटेड चल रहे भाई साहब. ठीक है. दोस्तों में सबसे डैश मैं हूँ. दोस्तों में सबसे फनी मैं हूँ. फनी मैं हूँ. ओके आदि दोस्तों में फजूल. फजूल सबसे फजूल मैं हूँ. फिर दोस्तों हटा लो पीछे से. क्यों? तुम खाली डायरेक्ट ये कर लो. मैं सबसे फजूल मैं हूँ ये कर लो तो. अच्छा कभी डैश लगाकर घर तो आओ. खुशबू खुशबू लगा के घर तो आओ. आदि भाई
क्या लगाओगे? कभी सुरमा लगा के घर में, सुरमा लगा के, वेरी गुड, सी योर काज है, ठीक है। तुम दोनों बहुत ही डैश हो वो हमें पता भी है। हाँ, हमें तो पता ही है, यही यही है, यही वाला बताओ, इससे भी बड़ा है। तुम दोनों बहुत ही डैश हो बताओ ना, मुंह से कर बोलना पड़ेगा। तुम दोनों बहुत ही डैश हो, स्वीट हो। अल्लाह, इतना झूठ। अच्छा, जब भी कोई लड़का देखा मैंने, मेरा दिल दीवाना बोले डैश। ओले ओले ओले, तुमने गाना पूछ लिया यार। उसने भी वही किया ना, कुछ और बोला नहीं आगे। तुझे पूरा गाना बना के दोगे तो गाना ही गाएगी वो। अच्छा, मैं लड़के में सबसे पहले डैश देखती हूँ, पर्सनैलिटी। मैं लड़की में पहली बार डैश देखता हूँ। मैं कुछ नहीं देखता भाई। तुम लड़की को देख नहीं रहे? हम कितनी प्राउड होगी तुमसे। थैंक्स यार। अच्छा, मुझे प्यार से डैश कहते हैं। ये सब क्या कहते हैं भाई मुझे प्यार से डैश? प्यार से कोई निकनेम कुछ? मैम मीमो। मीमो, मीमो कहते हैं। क्यूट। आदि मुझे प्यार से डैश कहते हैं। ये आप फैसल कुरैशी से पूछ। वो मुझे प्यार से जो कहते हैं ना, वो पढ़ने में भी बहुत डर लगता। अच्छा ठीक है, डैश के ऊपर हमेशा प्यार आता है। मेरे कुत्ते के ऊपर। अरे, मेरे कुत्ते के ऊपर। आपको? मेरे कुत्ते के ऊपर। मेरे पास है नहीं, लेकिन है। आदि पे ना बड़ा प्यार आता है मुझे। I'm a dog. You know, you're not a dog. He's not a dog. मैं डैश से बिल्कुल भी नहीं डरती, लेकिन डैश से मेरी जान जाती है। मैं अंधेरे से नहीं डरती, लेकिन लेकिन छिपकलियों से मेरी जान, छिपकलियों से जान जाती है। वाकई छिपकली से बहुत लोग डरते हैं यार। हाँ, क्यों? तुम्हें भी डर लगता है? नहीं, मैं वो बचपन का फिनोमेना होता है, आपके दिमाग में आ सकती है, लेकिन डर तो डरने वाली आपके दिमाग में डाला होता है, वरना उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है। हाँ जी, आज मैं पूछे क्या पूछूं? सवाल। अच्छा, मैं कह रहा हूँ, मुझसे पूछे। मुझे बड़े बड़े डैश बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। क्या? मुझे बड़े बड़े डैश बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। मुझे बड़े बड़े, मैंने तो डिसाइड कर लिया। अच्छा, पहले आप। घर, बड़े बड़े घर। बिल्कुल बड़े बड़े घर नहीं अच्छे लगते। मुझे भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अच्छी नहीं। बड़ी बड़ी की बड़ी नहीं, बड़े बड़े, बड़े बड़े, बड़े बड़े नहीं होते, बड़े बड़े गाड़ियाँ, बड़े बड़े गाड़ियाँ कह रही है मुझे, बड़े बड़े गाड़ियाँ बताए ना। नहीं नहीं बताए। मुझे बड़े बड़े वो बल्ब, बल्ब नहीं अच्छे लगते। हाँ सही है, अजीब से लगते बड़े बड़े बल्ब। बल्ब सोच के इतना फजूल जवाब। मथिला में सबसे अच्छा मुझे डैश लगता है उनके बाल, उनके बाल। फैजान, उनकी होस्टिंग, उनकी होस्टिंग, ठीक है। डैश के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। डैश कह रही है मैं कुछ भी कर, कुछ भी कर सकती हूँ। डैश कह रही है मैं कुछ भी कर। मैंने सोचा अगर आपने वो जवाब दिया ना, तो आप मेरा दिल जीत लेंगे। उफ, किसका भाई? डैश के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ भाई, बताएं जल्दी। डैश के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ओएस के लिए। दर 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 दर। ये अल्लाह। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? मैंने ही सोचा। क्या हो गया भाई? मैंने कहा कुछ और ना बोल दे। तुम भी ओएस के लिए कुछ भी कर सकते हो। ऐसा लग रहा है तुम ओएस के लिए मुझसे ज्यादा कर सकते हो। मैं कहीं कहीं तुम भी ओएस के लिए तो कुछ भी कर सकते हो। क्या भाई? नहीं ठीक है, कोई भी। अगर मुझे अगर दुनिया के सारे पैसे मिल जाए तो मैं डैश लूंगी। मुझे अगर दुनिया के सारे पैसे मिल जाएं तो मैं सबसे पहले तो मैं सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम ठीक करूंगी। हाँ, हमारी एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल। आपको क्या नाम भाई? लूंगी की बात हुई है। अरे लेना खरीदना है। हाँ, मैं डैश लूंगी। मैं डैश लूंगी और उसके बाद लूंगी डैश लूंगी। हाँ चलो बताइए। लूंगी, खरीदूंगी अपने लिए। आप ही को पैसा मिल रहा है ना? आप ही को है पैसा मिला। मैं अपने लिए क्या लूंगी जल्दी बताएं। मैं अपने लिए लूंगी, अपने लिए घर ले लूंगी। घर ले लूंगी, ठीक है। आप क्या लोगे? मैं अपने लिए जहाज लूंगा। वेरी गुड, ऐसे ही ठीक है ना। कोई कुछ भी कहे, मेरा डैश नहीं बदलता। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरी पर्सनालिटी नहीं बदलती। नहीं बदलती। वेरी गुड। मरियम, आपकी कुछ पिक्चर्स मौजूद है यहाँ पे। हाँ, वो नहीं है, इंस्टाग्राम से ली है। अच्छा। पिक्चर्स आपको दिखाएंगे और आप बताएंगी कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों। इस गेम का नाम है एक्सप्लेन योरसेल्फ। मजेदार 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 मजेदार। एक्सप्लेन मायसेल्फ। यस, एक्सप्लेन योरसेल्फ। एक्सप्लेन योरसेल्फ। आप बोले एक्सप्लेन योरसेल्फ। आप बोले एक्सप्लेन योरसेल्फ। आई एक्सप्लेन योरसेल्फ। नहीं नहीं, नो नो, यू हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ। यस। क्या? आई एम ऑसम। नहीं नहीं, यू हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ। बोले बोले ना। आई हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ। नहीं नहीं, यू हैव टू एक्सप्लेन। अरे नहीं, हम नहीं, यू हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ। बोले यू हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ। नो, व्हाई वुड आई डू? यू विल हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ। आई विल एक्सप्लेन मायसेल्फ। नो, एक्सप्लेन योरसेल्फ नाम है गेम का। तो मैं क्या करूं? क्या करूं? आप एक्सप्लेन करें। तस्वीर दिखाइए।
कितनी प्रैक्टिस करते हैं अभी? मुश्किल नहीं है, बस हाँ मुश्किल नहीं है, कोर आप कोर बन रहा है मुश्किल। हाँ ये भी कर लेगा। हाँ वाकई हाँ, हाँ, बहुत इजी है। मेरी टांगे बांधो यूंगी। इट्स अ टेक्निक, इट्स नॉट, इट्स अ स्किल। या बैलेंस, बैलेंस के लिए करते हैं। बैलेंस। लेकिन तस्वीर खींची किसने? ये आई थिंक नेहा ने खींची। नेहा बड़ी घूम रही है साथ आजकल। नेहा नाम है, तमीज से नाम लो। नाम ही गलत ले रहा है शुरू से। चले आगे चले। ये ईद पे मैं गई थी सलवार कमीज में। यार कितने आप, मैं सलवार कमीज को छोड़ो, इजी तो देखो कितने। ये प्लास्टिक है? नहीं ये ओरिजिनल। हाउ मच केजी? द बार इटसेल्फ इज 18 केजीस और साइड पे 10 केजी लगा हुआ। ये सलवार कमीज गुस्सा पहन के जिम गई आप? ये मैं एक्चुअली अपने किसी दोस्त को पिक करने गई थी और ईद का दिन था तो मैं ऐसे गई और मैंने जिसको उठाया हुआ। नहीं दोस्त ने मेरी पिक्चर ली। वेरी गुड यार, यार वेरी मरियम, हैट्स ऑफ। बहुत आगे चले। अरे फैन के साथ किस गया? ये फैन है ना इनके बड़े मशहूर। ये हाँ। मैं दिल लगी की पिक्चर थी, मैं और हुमायूं भाई सीन कर रहे थे। आप हाँ? और कौन है दूसरा? कौन है? हुमायूं भाई। हुमायूं भाई ये हम इधर थे दिल लगी के सेट पे और उधर की तस्वीर है। बहुत प्यारी तस्वीर है। हुमायूं भाई कैसे ग्लो कर रहे हैं? मैं ज्यादा ग्लो कर रही हूं। अरे वाह ये क्या पढ़ रही है? अरे आप वो लग रही हैं। वो कौन यार? वो नरमीन नाम है ना उनका। नरमीन, नरमीन एक्ट्रेस है। कौन है? कौन? गलत नाम ले रहा हूँ, सॉरी। नरमीन कौन है? नहीं नहीं आप अब बोले आप बताओ, बताओ मुझे, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं किस तरह लगती हूँ। मतलब मैं गलत नाम ले रहा हूँ? नहीं 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 मैं अब करो, ढूंढो क्या करूँ, ढूंढो और बताओ मुझे, बताओ बताओ। मेरे ख्याल से नरमीन नाम ही है। अरे नरमीन कौन? नरमीन कौन है? हमें तुम्हें नहीं पता नरमीन कौन है? तुम्हें कहाँ मिली नरमीन? मैं ये जानना चाहती हूँ। मुझे तो बहुत नरमीने मिली है। अच्छा यार छोड़ दे, आपको नहीं पता कि हम शो के बाद बात करते हैं। हाँ, नरमीन के बारे में किसी से नहीं मिल रही। मरियम, मरियम लग रही है। ये क्या कर कहा है? कहाँ की किताब है और कौन सी किताब? मैं गई हुई थी टॉलमन मॉल और मैंने ऐसी किताब पकड़ के बोला यार मेरी तस्वीर तो लेना। वाह जी वाह, ये नवीन लग रही है आपको? नवीन, नवीन, नवीन लग रही है। नरमीन मुझे नाम लग गया यार, नवीन और नरमीन मुझे बहुत लोग। आगे चले है जी, आराम फरमा रही है। सही है, छोटी पतली सी लड़की है ना, किसी भी गद्दी पे पूरी आ जाती है। गद्दी नहीं, इतना बड़ा गद्दा है पूरा वो। तुम्हें कोई इतनी छोटी ये है? मैं ना थक गई तो मैं लेट गई और कहाँ थक गई यार? ये मैं ना थक गई तो लेट कहाँ थक गई थी आप? ये जिम पे? ये जिम में आपके बी बैक भी है? हाँ तो ये गरीब के मुंह से निकल गया, बी बैक भी है? नहीं जिम में ये तो मैं तुम्हें खरीद के दूंगी। जिम में क्यों आए? कितने चाहिए? कितने चाहिए बोल दो। अलग अलग कलर के बाद लेके जाते हैं, अलग अलग कलर का दूंगा। बीन बैग। अच्छा आप ये वर्कआउट के बाद थक गई हैं? हाँ, तो आप रेस्ट कर रही हैं। आप कौन सी जिम जाती हैं? मुझे लगता है वर्कआउट से पहले ही था कि मैं थक गई हूँ, मैंने कहा मुझे करना ही। आगे चले। अरे वाह, इसमें से वो कौन है? गया क्या था? मेहा। मेहा वो बिल्कुल नीचे वाली, सबसे नीचे गए बर्फ में जो है। हाँ बर्फ में। तो ये क्या, ये आप लोग गिर गए थे या पोज किया था? ये हम पोज कर रहे थे, हम गए थे स्वात। अरे वेरी नाइस, और हमारी बड़ी अच्छी तस्वीर ली थी हमारे एक बेस्ट फ्रेंड। आप लोग तो सोने हो गए होंगे। बहुत ठंड थी लेकिन बहुत, पहली दफा बर्फ देखी थी बिल्कुल। घर में नहीं है फ्रिज में? अरे वो ऐसी बर्फ थोड़ी होती है। अच्छा ये वाली बर्फ घर में नहीं है फ्रिज में। बहुत मजा आया था यार। और सिर्फ गर्ल्स गर्ल्स गई थी? हाँ सब गए थे। तस्वीर किसने ली? ये ली थी अब्दुल्ला ने। ये अब्दुल्ला क्यों आ था जब सारे गर्ल्स का प्लान है तो? पजेसिव हो रहा है आदि मेहा को लेके। जब गर्ल्स के प्लान में अब्दुल्ला का क्या काम है? क्यों तुम नहीं, तुम तुम्हें तुम्हें इनवाइट करते हो, तुम तो नहीं आते, तुम तो कहीं नहीं आते, तो नए दोस्त बनाने पड़ते हैं ना फिर। गर्ल्स बनाओ ना खाली, क्यों अब्दुल्ला क्यों है वहाँ? असल में ना ये मेहा को लेके पजेसिव हो रहा है, मुझे पता है इसका। मेहा की शादी है ज्यादा फ्री। जय अब्दुल्ला जय बड़े अंदर। अबे मेरी वैसे इनकी बर्थडे आज है। खबरदार है। किसकी बर्थडे? मेहा की। अब्दुल्ला की। अब्दुल्ला हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अब्दुल्ला, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा आगे चलें। अरे वाह ये कहाँ की तस्वीर है? ये बहुत कूल तस्वीर है यार। ये मैं थी, ये भी आई थिंक जिम पे, ये भी जिम पे थी लेकिन ऐसे ही गई थी अपने दोस्त को मिलने के लिए। ये जिम है? हाँ। आपका जिम है क्या है? हाँ। जहाज लग रहा है। मेरी जिम में तो सलवार और बनियान। नहीं ये हमारा जिम ही है लेकिन हमारा जिम जो पिछला वाला था ना जहाँ था वहाँ हम सारे दोस्त, खैर हम बहुत क्लोज हो गए थे सारे ट्रेनर्स दोस्त क्लाइंट्स वगैरह,
तो हम जाते थे उधर ही बैठते थे, उधर ही हम अपना चिल करते थे, तो हमारे लिए वो हमारा एक चिल स्पॉट था। चिल स्पॉट देहरी, देहरी बहुत अच्छी तस्वीर है। ये सर्दियां थी, ऐसे ही मैं गई थी अपने दोस्तों से। वेरी नाइस, आगे चले। ओह मेरे साथ तस्वीर क्या मेरे साथ तस्वीर इनका नाम क्या है? ये है किसके पहले थे बताए, इनका नाम क्या बताए, इसका नाम क्या है? अल्लाह नाम भूल गया अपने डॉग का। ये मेरा कुत्ता नहीं है। फिर किसका नहीं, कुत्ता ये है? तो मैं कुत्ते से पूछ रहा हूँ कि इनका नाम क्या है बताओ ना। नहीं नहीं वाकई, अच्छा ये आपका कुत्ता नहीं है, किसका कुत्ता है? क्या क्या नाम है किसका कुत्ता? डोडो। यार ये मेरी एक दोस्त का कुत्ता है, क्या नाम था? ब्रूनो। नहीं टॉम, सिम्बा। नहीं 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 चुबड़कुम। अरे क्या नाम था इसका? कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। अरे इसके नीचे कैप्शन भी होगा कुत्ते का नाम। अभी क्या करूँ, खोल के देखूँ ये हमारा कंप्यूटर। यार क्या नाम था, अब मेरे दिमाग में फंस गया, प्लीज लेट मी थिंक। ओके खामोशी, कुत्ते का नाम? जुरैसिक पार्क, मैट्रिक्स, के2, आइसक्रीम सिम्बा, वनीला स्ट्रॉबेरी, सुपरमैन, जेसन। जेसन क्या नाम था इतना? तो अरे शेरू नाम तो नहीं, शेरू यार ये बड़ी गलत बात है। शेरू नाम शेरू नहीं हो सकता, शेरू नहीं है भाई, थोड़ी हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन तस्वीर बहुत अच्छी है। चले आगे चले। हॉलीवुड पिक्चर यार, माइकल जैक्सन बिल्कुल यार। नहीं माइकल जैक्सन तो ज्यादा, ये मैंने लगा के डिलीट करती थी। क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे बोला कि मरियम ऐसी तस्वीरें नहीं लगाया करो इंस्टाग्राम पे। इसमें क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देयर लाइक ये तुम्हारी लुक खराब करता है, तुम बहुत देसी एक्टर हो। आप उसको बोले अपने काम से काम करो, डोंट टेल मी व्हाट टू डू। क्या मैं जानना चाहता हूं, आई वांट टू, सच में पूछना चाहता हूं, ये देसी एक्ट्रेस क्या होता है भाई? पता नहीं यार, उस टाइम पे मैं भी इतना कंफ्यूज, मैं छोटी भी थी तो मैंने कहा यार why can't I just be myself and just do my desi thing? Desi picture kya cheez hoti hai? Desi actress aur ye foreign actress. Dil shalwar kameez mein zyada lagaya karo. Ye kisne kaha tha? Ek thi ab. Acha to mashwara, Maryam mashwara aasani se maan leti hai ya aap sochti hain? Yaar shuru shuru mein main bahut maan leti thi. Ye depend karta hai ki mashwara kiska hai. Maine kar di thi picture. Phir lagaye. Lekin phir main ghar gayi aur maine kaha I should I listen to that exactly person? And then I posted it again. Very nice. It's a bahut achhi picture yaar. और ये मैंने अम्मी अब्बू के कमरे में ली थी, एक फोटोग्राफर को बुलाया, इतनी सी दीवार थी और मैंने मेरी दोस्त ने मेरा मेकअप किया और मैंने ये पिक्चर। वेरी नाइस पिक्चर यार, वेल डन मरियम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू सो मच, ग्रेट फन। यस इट वाज अमेजिंग, उम्मीद करते हैं आपको भी मजा आया होगा। मुझे बहुत मजा आया। अच्छा अब आपको जल्दी से हम बहुत सारे पैसे दे रहे हैं दुनिया भर के, ठीक है ना? वाओ सुने, ओ माय गॉड, दुनिया के सारे पैसे आपको दे दिए। ओ माय गॉड, अब आपने एक फिल्म बनानी है अपनी मर्जी की। हाँ। उसमें छह लोगों को कास्ट करना है। हाँ। उसके डायरेक्टर का नाम भी बताएंगे, फिल्म का नाम भी बताएंगे, जल्दी से बताएं। दो हीरोइंस हैं, दो हीरो हैं, एक विलन है और एक अम्मा का कैरेक्टर, छह लोग कौन कास्ट होंगे जल्दी से बता। अच्छा कोई भी हो सकता है, कहीं से भी, दुनिया का पैसा आपके पास, कहीं से भी हो सकते हैं, एनीवन फ्रॉम एनीवेयर, एनीवेयर फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवेयर। ओ वाओ, यस, ओ अमेजिंग, बताएं। तो मैं पहला हीरो शाहरुख खान, एक विलन, विलन 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 कोई भी हो सकता है ना? नहीं कोई भी, एनीवन रखेंगे फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनीवेयर, एनीवेयर। अच्छा अम्मा का रोल मैं दूंगी, एनीवन फ्रॉम एनीवेयर, अम्मा का रोल मैं दूंगी केट विंसलेट क्यों वो नहीं यार, अम्मा का रोल तो मैं सबा हमीद को ही दूंगी, सबा हमीद, सबा हमीद, ओके जी ठीक है। विलन, विलन का रोल मैं दूंगी आदि। तुम विलन नहीं आए कभी? हाँ यार, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। मैं आपको बताऊं, अजीब सी बात है, क्राइम मास्टर, मैंने जब शौक है, जब से मैंने टीवी शुरू किया है, हाँ। मैंने ये करोड़ बार अपने बारे में सुन लिया है कि यार आप विलन का काम करें, बहुत जबरदस्त करेंगे, लेकिन माशाल्लाह कोई काम ही नहीं दे रहा अच्छा ये फिल्म डायरेक्ट कौन करेगा? इम्तियाज अली। इम्तियाज अली, और नाम क्या होगा फिल्म का? नाम बताइए। तमाशा टू यार ये नहीं करो यार, ये कैसे गरीब हो गया तमाशा टू यार, इंसान बनो मरियम का नाम तो अच्छा बता, तमाशा टू पहली फिल्म में टू से शुरू हो रही है तमाशा टू पहली फिल्म रखेंगे रखेंगे कमाल खान। कमाल खान यार सही वाला नाम बताओ ना फिल्म का यार, अच्छा नाम है फिल्म का, नाम क्या? कमाल खान, कमाल खान यार, खुदा के वास्ते अच्छा नाम बता दो, इतने पैसे दिए, इतने पैसे दिए यार, नहीं करो अच्छा। त
तमाशा टू ही ठीक है मेरे साथ से। नहीं, मरियम के लश्कार है। समंदर। समंदर। उफ। समंदर। इट्स अ डैप नेम। टू। यार टू क्या है? समंदर। टू। थोड़ा पॉज के बाद। वेल डन मरियम, आपने बहुत अच्छा खेला। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत मजा आया आपके साथ। मुझे गिफ्ट हैम्पर हैम्पर नहीं मिला यार। जी कोई नहीं, जाने से पहले आप अपने चाहने वालों को कोई मैसेज देना चाहें तो उनको मैसेज कर दीजिएगा। छोड़े नहीं, मैसेज दें प्लीज, मैसेज दें प्लीज। चाहने वालों को ये मैसेज दूंगी कि अपना बहुत ख्याल रखें और मेरा काम देखते रहें और हमेशा खुश रहें और मजेदार शो देखते रहें। या वेल डन आदि भाई, कोई मैसेज? मैं चाहने वाले और जाने वाले मैसेज दो। मैं सोचा था, मैंने ये हरकत कर दी, मैं भूल गया। भूल गया हाँ। फिर भी नहीं मेरा यार ये अच्छा है, आप लोग आते हैं सब पता है ना कि क्या होने वाला है, कंटेंट क्या है, तो सोच के रखते हो। हमें ऑन द स्पॉट देनी पड़ती है बातें। क्या बोल जो करके हमसे शिकायत कर रही है। नहीं मैं आप लोग शिकायत तो जब ये कैमरा बंद होगा तब मैं आप आज खत्म ही नहीं। कौन है ये नरमीन? नरमीन कौन है? अरे जो तुम नवीन को नहीं नहीं झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए मैं सिंगल। अच्छा चलो मैसेज। मेरा मैसेज आप लोगों से यही है यार, बस मुझे लड़की ढूंढने और बेचारे हमारे भाई की शादी। मेरे पास कोई आज मैसेज नहीं है, मैं भूल गया एक्चुअली, मैं मस्ती मजाक में मेरे ज़हन से निकल गया। आदि जी बोलो कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आज ये वाला मैसेज कर दो। मेरा मैसेज सब लोगों के लिए कि मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने सब चेक करा लिया है, हर बैंक में चेक करा लिया है कि मेरा बैंक अकाउंट बिल्कुल ठीक है। मैंने अपने रिश्तेदारों से चेक करा लिया है कि भाई मेरी रेपुटेशन सही है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। एक घर है, एक गाड़ी है, चीजें बतानी पड़ती है। घर है, एक गाड़ी है, एक मोटरसाइकिल है, जेब में 5,300 कैश है। कोई भी गर्ल अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज मुझे बताइए। गर्ल की खासियत बता दो, क्या चाहिए? जिंदा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बोलती हो? बोलना ही है, चलेगा। बस हो, मौजूद हो, जैसी भी हो मौजूद हो। जब मैं कहूँ बेगम तो कोई चीज निकल आए कमरे में से, बेशक गमला ही निकल आए बस। तो आदि ऐसे तो मुझे लगता है अभी लाइन लग जाएगी आपकी। बिल्कुल कोई भी, मैं सोचा अनाउंस कर दूं आदि की शादी जो है ना शो पे, अनाउंस कर दूं कि भाई हम ऑडिशन करते हैं, इधर ही करेंगे, इधर ही करते हैं ना। ऑडिशन नहीं यार, सेटअप बनाएंगे शादी, मतलब ऑडिशन इन द सेंस कि लोग आके मिलें देखें। ऑडिशन जरूर है ना, वेरी गुड आइडिया, थैंक्स यार। ऑडिशन जरूर ओपन, ये हम इस बारे में सोचते हैं, कंटेंट वालों से बात करते हैं। कोई भी गर्ल अगर इंटरेस्टेड हो, अगर गर्ल नहीं मसला फिर होगा, उस दिन भी बिजी हो गए, जल्दी करो दूसरे शो पे जाना है यार। मैं कर रहा हूँ। अच्छा कर रहे हो। देखिए अगर कोई भी गर्ल इंटरेस्टेड हो, और फर्स्ट करते हैं गर्ल इंटरेस्टेड नहीं, उनकी अम्मी इंटरेस्टेड है, कजन्स इंटरेस्टेड है, नेबर इंटरेस्टेड, एनीवन, मैं सब में इंटरेस्टेड एनीवन बट एनीवन इवन एनी एनीवन। जाने से पहले काश भाई क्या सुनाएंगे आप हमें? काश एक बहुत ही अच्छा गीत है। अच्छा मैं एक टाइम कम है मुझे निकलना है। आपका ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया।
Hi everybody, this is Wajih Faruqi aur main aa raha hu on the Mazedar show with Adi and Faizan only on TV1. Mazedar. 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 The Mazedar show.